अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं सारे मुसलमानों को रमज़ान मुबारक कहता हूँ, ठीक है। और सेकंड, ये व्लॉग मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा ये व्लॉग होगा। मैं उस जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे हर मुसलमान जाना चाहता है। हर दुनिया के किसी भी कोने पे वो मुसलमान, उसके दिल में ये ख्वाहिश लाजमी होती है कि मैं एक दफ़ा उम्रा या हज लाजमी कर सकूँ। और इसीलिए मैं आज जा रहा हूँ उम्रा करने के लिए, वो भी रमज़ान में। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला अपने घर में मुझे बुला रहे हैं, वो भी रमज़ान के महीने में। तो पहले भी मैं कर चुका हूँ, लेकिन ये मैं सेकंड टाइम जा रहा हूँ उम्रा करने। फ़िलहाल तो तैयार हो गए हैं, तो अभी यहाँ से गाड़ी लेके पहले जाना है बस टर्मिनल पे, फिर हम वहाँ से आगे निकलेंगे। तो चलें, लेट्स सी, चलते हैं आगे और आपको भी दिखाते हैं हम किस तरह जा रहे हैं और क्या क्या तैयारी हमने की हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह टर्मिनल पे पहुंच चुके हैं। ये सारी पीछे बसेज हैं, बहुत ज़्यादा आज बसेज जा रही हैं उमरे के लिए, तो हम भी आज जा रहे हैं साथ। ये अली भाई हैं और जो दो लोग हैं वो भी आगे बस में बैठे हुए हैं। गाड़ी में बैठ चुके हैं और सफ़र स्टार्ट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जा रहे हैं मक्का की तरफ, रास्ते में हम देखते हैं। अब सुबह पहुंचेंगे, यहाँ से 1100 किलोमीटर है, तो सुबह हम इंशाल्लाह ताला फजर की अजान के बाद शायद नहीं निकलेंगे। देखते हैं आगे। अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी भी कर ली है और मगरिब की और इशा की नमाज भी अदा कर ली है। और इस वजह से, क्योंकि हम सफ़र में और बार बार गाड़ी रुक नहीं सकती, तो अब हम गाड़ी के पास जा रहे हैं। फाइनली गाड़ी में बैठने लगे हैं अपनी सीट पे। तो ये अली भाई हैं जो हमारे साथ जा रहे हैं, और साथ मुस्तफ़ा और वो भी नीचे हैं, वो आएंगे ऊपर तो फिर उनकी, उनको भी वीडियो में लेंगे। तो ये भी गाड़ी है, फ्रंट सीट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे बैठते हैं। यहाँ पे रमज़ान की वजह से बहुत ज़्यादा रश है, बहुत मुश्किल से यहाँ से खाना लिया है शहरी के लिए। यहाँ पे रुके थे, 40 मिनट का स्टे था। अभी सुबह के 8 बज चुके हैं, हम यहाँ से शॉपिंग वगैरह करके एहराम वगैरह लेके और वहाँ पे हम एहराम वगैरह बांध के फिर इंशाल्लाह ताला उमरे के लिए मक्का में। अल्हम्दुलिल्लाह एहराम बांध लिए, अब दो नवाफिल अदा करके दोबारा गाड़ी में बैठ के मक्का की तरफ जाएंगे। और ये इधर के सीन से बहुत ज़्यादा रमज़ान में बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं इधर उम्रा करने के लिए। तो चलें, मैं अब साथ साथियों का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो आते हैं तो फिर यहाँ से हम निकलते हैं मक्का के लिए। ये मस्जिद में नवाफिल अदा करने जा रहे हैं, ये मस्जिद है, नवाफिल अदा कर लिए। हैया
अल्हम्दुलिल्लाह मक्का में पहुंच चुके हैं, हरम पाक के बिल्कुल करीब हैं। और अब हम यहां से रूम ले लिया था, अब यहां से हम फ्रेश हो गए रूम से, अब जा रहे हैं वुज़ू वगैरह करके उम्र अदा करने हरम पाक में। तो बहुत ज़्यादा रश है, काफ़ी अरसे बाद इस रमज़ान में देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। जो पाबंदियाँ थी कोरोना की वजह से वो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर ली गई हैं, और अब हम जा रहे हैं, अल्लाह ताला हमारा उमरा कबूल फरमाए। उम्रा अदा कर लिए और अब हम यहाँ से सफ़ा मरवा की जो पहाड़ी है उसका हम तवाफ करेंगे। तो चलें चलते हैं, ये पीछे माशाल्लाह मक्के की रौनकें। तो अब सफ़ा और मरवा की तरफ चलते हैं, ये जा रहे हैं हम सफ़ा मरवा की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह ये चक्कर भी इसके भी कंप्लीट हो चुके हैं। ये मरवा की पहाड़ी है, तो बहुत ज़्यादा रश है। अब रोज़ा भी अब यहाँ से निकलने लगे हैं क्योंकि उमरा कम्प्लीट हो गया। अब जाके ये बाल अपने हम कटवाएंगे, तो जो सुन्नत है वो हम पूरी करेंगे, फिर आगे वापस रूम में जाके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। अब टेंट करवा लिए और अब जा रहे हैं होटल में रूम में, वहाँ भी थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, सोते हैं और फिर आगे विज़िट के लिए निकलते हैं। कह रहे थे कि वहाँ पे जाना है गारे हीरा, तो देखते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं या नहीं। हम आए हैं फ्रेश होके आब जमज़म भरने, ये सारा पीछे आब जमज़म के नल लगे हुए हैं छोटे छोटे, तो अब हम इसको फिलअप करके, एक गैलन है 10 लीटर की, इसको फिलअप करके हम रूम में लेके जाएंगे, जो सबके लिए तबरक होगा। अल्हम्दुलिल्लाह उमरा कंप्लीट हुआ आज का, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं मदीना पाक के लिए। तो ये मैं व्लॉग इधर ही मैं एंड करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगा कि हम मदीना पाक विज़िट करेंगे। तो चलें, मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत सारा प्यार, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।